नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और दोस्तों, हम पहले बता दें कि जो एक खबर का स्रोत है वो आप सभी को पता होगा, जो बिहार में आपके गुरु रहमान है, उनका एक चैनल है माफ प्रेमा फाउंडेशन, तो उसी उन्हीं के जो है सौजन्य से दोस्तों हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट वहीं से लिया गया है, तो आप जाकर उनका वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में दो आपके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात यह कि बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा टाइपिंग का जो है इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। काफ़ी दिनों चर्चा था कि अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया, नोटिस क्यों नहीं आया, तो एक खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अंत में जो है आपके लिए बहुत अच्छी दोस्तों पूरी बात करने वाले कि आपके लिए अच्छी खबर क्या और बुरी खबर क्या, तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, पहली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इसी महीने ली जाएगी टाइपिंग की परीक्षा। अब देखिए, ये अगर एक तरीके से देखें तो ये अच्छी खबर भी है, एक तरीके से देखें तो बुरी खबर भी है। क्योंकि यदि इस महीने टाइपिंग की परीक्षा ली जाती है तो क्योंकि टाइपिंग का लेआउट तो पता ही नहीं था, छात्रों ने प्रैक्टिस तो किया नहीं है, तो इस महीने टाइपिंग परीक्षा अगर देना होगा तो कैसे दे पाएंगे, पहले तो ये बात है। और अच्छी खबर ये है कि चलिए कम से कम टाइपिंग के बारे में कुछ जानकारी तो मिल रही है। पहली बात यह है स्पष्ट करने की, ये जो जानकारी है माँ प्रेमा फाउंडेशन की तरफ से दोस्तों ये निकल कर आ रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है ये जल्द ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त हुई होगी उनके संवाददाता के द्वारा, तभी जो है जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है। अब देखिए, डेट की बात करें तो लिखा हुआ कि 12 से 15 अप्रैल के बीच घोषित हो जाएगी टाइपिंग टेस्ट की तिथि। तो टाइपिंग के लिए नोटिस जो है 12 से 15 अप्रैल, देखिए आज 12 अप्रैल आपका हो गया है, तो दो तीन दिन के अंदर जो है नोटिस आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पटना के एक ही सेंटर पर 5 दिनों तक ली जाएगी टाइपिंग टेस्ट, यानी कि पटना में एक सेंटर पर 5 दिन तक ये टेस्ट जो ली जाएगी। सेंटर को अंतिम रूप देने की कवायद हुई तेज, बीएसएससी के टेंडर में एक ही सेंटर संचालक ने आवेदन दिया था, तो जो सेंटर की जो है कवायद अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। पटना के पाटलिपुत्र स्थित TCS के परीक्षा केंद्र पर ली जा सकती है टाइपिंग टेस्ट, तो जो आपका TCS का परीक्षा केंद्र पटना में है उसमें जो है आपका लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में एक दिन में शामिल होंगे 5000 अभ्यर्थी और एक दिन में 3 पाली में ली जा सकती है टाइपिंग टेस्ट। तो देखिए, अगर एक दिन में 5000 यानी कि एक पाली में 5000 छात्र कर देते हैं, तो देखिए अगर आप गुणा करिए, एक पाली में 5000 और एक दिन में 3 पाली, तो यानी कि रोज़ जो है लगभग 15000 छात्रों की टाइपिंग हो पाएगी। अगर 5 दिन चलेगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए एक दिन में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक दिन में शामिल होंगे 5000 अभ्यर्थी और एक दिन में 3 पाली में परीक्षा हो जाएगी, तो एक दिन में 5 होगी, यानी कि तो वहीं जो है 5 दिन तक जो है टाइपिंग चलने की ये जो है संभावना रहेगी। इसके अलावा वन रक्षी पद के शारीरिक परीक्षा लेने के लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आयोग पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को भेज चुकी है 3465 अभ्यर्थियों की सूचना। वीडियो में बने रहिएगा। टाइपिंग स्पीड की भी बात करेंगे, टाइपिंग का लेआउट की भी बात करेंगे अंत में। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए होने वाली सारी दस्ता परीक्षा में शामिल होंगे 1430 अभ्यर्थी जो पुलिस विभाग के रहेंगे। इसके अलावा टोटल 42 पदों पर नियुक्ति के लिए कवायद की जा रही है, जिसमें से कुछ पद आपके टाइपिंग वाले हैं और कुछ पद जो आपके फिजिकल वाले हैं। 38 पदों पर होनी है टाइपिंग टेस्ट और 4 पदों पर शारीरिक दस्ता जाँच परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्व कर्मचारी के 4000 पदों पर टंकन जो है नहीं होना है। पंचायत सचिव की भी बात हम करने वाले हैं, तो कुछ भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपकी टाइपिंग परीक्षा होनी है। इसके अलावा जैसे जैसे अभ्यर्थियों ने ऑप्शन किया होगा वैसे ही जो है टाइपिंग ली जाएगी, यानी कि जिन लोगों ने हिंदी में एस किया होगा उनको हिंदी में, जिन लोगों ने इंग्लिश में एस किया होगा उनको इंग्लिश में, और जिन लोगों ने दोनों में एस किया होगा उनको दोनों में जो है टाइपिंग देना होगा। हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट में ली जाएगी टाइपिंग। अब देखिए, वही समस्या बरकरार है, सूचना तो निकल कर आई लेकिन टाइपिंग फॉन्ट तो सबको पहले से पता है, लेकिन लेआउट के बारे में यहाँ पर भी जिक्र नहीं किया गया, जो कि छात्रों के लिए काफ़ी जो है समस्या भरा रहेगा। इसके अलावा अंग्रेजी का तो टाइपिंग फॉन्ट कोई होता नहीं, तो अंग्रेजी का जो है सिंपल जो होता है उसी में रहेगा। ये सभी बात जो है ओम प्रकाश पाल के द्वारा जो है माँ प्रेमा फाउंडेशन द्वारा जो है ये जानकारी दी जा रही है। जो टेंशन आपका था कि पंचायत सचिव के लिए टाइपिंग होगी कि नहीं होगी, तो देखिए पंचायत सचिव पर टाइपिंग को लेकर विभाग के साथ होगी मंत्रणा, इसके बाद आयोग लेगा निर्णय। आयोग के सचिव का कहना है कि पंचायत सचिव के लिए पद पर जो आपका टाइपिंग की बात है उसके लिए मंत्रणा की जाएगी, उसके बाद ही जो है इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, तो इस पर जो है अभी भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों अब आई है कि टाइपिंग का स्पीड क्या रहेगा, तो हिंदी के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट। देखिए सबसे बुरी खबर यही है। अब दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश करिए, आपका रिजल्ट आए हुए एक महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन टाइपिंग का स्पीड अब देखिए, अभी भी ये बात स्पष्ट कर दें कि ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, देखिए ये आधिकारिक सूचना नहीं है, ये बात आप मान लीजिए।
आधिकारिक सूचना आने के बाद ही बात स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन यदि ये जानकारी निकल कर आ रही है तो हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो ये छात्रों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट अगर बात किया तो बहुत अधिक होता है। हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिन छात्रों ने टाइपिंग अगर स्टार्ट नहीं की होगी वो हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट पहुंचाने में बहुत समस्या हो जाएगी। अगर आप 4 से 5 महीने या 2 से 3 महीने अगर जम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप 30 महीने तक 30 वर्ड तक नहीं पहुँच पाएंगे, और जो छात्र अभी शुरू करेंगे वो 30 तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर इंग्लिश में 40 मांगा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। देखिए जितने भी नॉर्मल परीक्षा होती है वहाँ पर हिंदी में 25 मांगा जाता है और इंग्लिश में 30 मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना बढ़ा के क्यों दिखाया गया है, इसमें सच्चाई क्या है बाद में पता चलेगा। इसमें देखिए उसी का टाइपिंग में सिलेक्शन फिर हो पाएगा जो टाइपिंग में बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हो या फिर जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो। लेकिन जो नए सीखने वाले हैं उनको 30 पहुँचने में बहुत दिक्कत होगा और 40 इंग्लिश पहुँचने में बहुत दिक्कत होगा। देखिए इसमें पूरी गलती आयोग की है। अगर आयोग ने पहले ही इस बात को स्पष्ट किया होता कि इंग्लिश में हम इतना मांगेंगे, हिंदी में हम इतना मांगेंगे, तो छात्र जो है 1 साल 2 साल पहले से तैयारी करते रहते। ये अचानक से देने का दोस्तों कोई भी तुक नहीं बनता है, ये छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, ये बात आप खुद समझ सकते हैं। 10% गलती माफ़ रहेगा, चलिए ये अच्छी बात है कि 10% गलती माफ़ रहेगी, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा रखा गया है। जून महीने में जो है परिणाम जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों अगर हम सब मिला जुला कर बात करें तो दो बात यहाँ पर निकल कर आ रही कि आपका 12 से 14 अप्रैल तक नोटिस जारी होगा टाइपिंग का, बहुत जल्द से जल्द जो है टाइपिंग होने की संभावना, और हिंदी में 30 वर्ड स्पीड इसके अनुसार है और इंग्लिश में 40 वर्ड, जो कि छात्रों के साथ धोखा है, बिल्कुल धोखा है, क्योंकि इतना स्पीड पाना इतने जल्दी में बहुत अधिक समस्या हो जाएगी। दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये आपसे संबंधित खबर है और हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है, आप दोस्तों अभी भी जो है टाइपिंग शुरू कर दीजिए, इंग्लिश की टाइपिंग बहुत मेहनत करिए, 4 घंटा 5 घंटा जितना भी आप कर पाते हैं रोज़ करिए, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा अगर 40 की स्पीड आगे जाएगी तो। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आपको ताज़ा अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। दोस्तों एक बार फिर से बता दें कि ये माँ प्रेमा फाउंडेशन द्वारा जो चलाया गया था वीडियो, उसके अनुसार एक खबर दी गई है। आधिकारिक सूचना जैसे कि आएगी आपको ज़रूर वीडियो दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।